हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और ये है हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज का 9th पार्ट लिंक्स। पिछले पार्ट में हमने URL पैरामीटर्स के बारे में बात की थी, जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। लिंक्स सेक्शन गूगल सर्च कंसोल में सबसे नीचे होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस भी कम है। लिंक्स सेक्शन आपको 100% श्योरिटी से बताता है कि गूगल आपकी किन बैकलिंक्स को पहचानता है और आपके कौन कौन से पेजेस लिंक्ड हैं। लिंक्स टैब पर क्लिक करते ही आपको जो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है वो होता है एक्सपोर्ट एक्सटर्नल लिंक्स बटन। इस पर क्लिक करने पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं, मोर सैम्पल लिंक्स और लेटेस्ट लिंक्स। इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करने पर आपको तीन फॉर्मेट में डाटा को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक ऑलवेज गूगल शीट्स, एक्सेल फाइल और CSV फॉर्मेट। इसके बाद दो सेक्शन हैं, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। इससे पहले कि हम इस सेक्शन में लिंक्स को देखना शुरू करें, आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वरना आप अपनी बैकलिंक्स को ढूंढते रह जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। इस सेक्शन में जितनी भी बैकलिंक्स, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की दिखाई देंगी जो सर्च कंसोल में कनेक्टेड है। यहां इस जगह पर जो भी दिखाई दे रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी है जो गूगल सर्च कंसोल के साथ वेरीफाइड है। अगर ये HTTPS के साथ www है तो आपको वही बैकलिंक्स दिखाई देंगी जो आपके डोमेन नेम के साथ HTTPS और www वाले URLs के साथ लिंक्ड है। अगर कोई बैकलिंक HTTPS के साथ सिर्फ URL पर मिली हुई है तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। सिमिलरली, अगर आपने डोमेन प्रॉपर्टी को सर्च कंसोल में वेरीफाई किया हुआ है तो आपको हर तरह की लिंक्स दिखाई देंगी, चाहे वो HTTPS के साथ हों या HTTPS www के साथ हो या किसी सब डोमेन के लिए ही मिले। सो आज के पूरे वीडियो में हम हमेशा प्रॉपर्टी वर्ड यूज करेंगे, ना कि डोमेन या वेबसाइट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी या डोमेन प्रॉपर्टी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज, डोमेन प्रॉपर्टीज को ऐड करने के बारे में बात की थी। इस सीरीज के सारे वीडियोस प्लान करके बनाए हुए हैं और अगर आप कोई भी एक वीडियो मिस करते हैं या सही सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। इस फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और अभी टॉप राइट कॉर्नर में भी आ रहा होगा। सो अभी यहां नीचे आपको दो सेक्शन दिखाई देंगे, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। इन दोनों सेक्शन का फर्स्ट बॉक्स है टॉप लिंक्ड पेजेस, कौन कौन से पेजेस को सबसे ज्यादा लिंक किया गया है। एक्सटर्नल लिंक सेक्शन में अभी आपको दो पेजेस दिखाई दे रहे हैं, इन दो URLs को सबसे ज्यादा लिंक किया गया है और इंटरनल लिंक्स के लिए अभी आपको कुछ और ज्यादा URLs दिखाई दे रहे हैं। एक्सटर्नल लिंक्स के टॉप लिंक्ड पेजेस रिपोर्ट को और डिटेल में हम देखने के लिए क्लिक करेंगे मोर पर। यहाँ आपको डिटेल्ड लिस्ट मिलेगी, टोटल कितनी एक्सटर्नल लिंक्स हैं और वो यहाँ पर इस बड़े से नंबर से पता चल जाता है। नीचे इस टेबल में आपको लिंक्ड पेजेस का URL मिलेगा और लिंक करने वाले साइट्स का नंबर मिलेगा, टोटल कितनी लिंक्स हैं वो यहाँ से पता लगेगा। यहाँ मेन डोमेन amittiwari.net के लिए लिंक कर रही वेबसाइट्स हैं 33, लेकिन जो इनकमिंग लिंक्स हैं वो 55 हैं। एकदम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मान लीजिए एक वेबसाइट है example.com जिसके तीन पेजेस से हमारी वेबसाइट को लिंक मिल रही है। सो लिंकिंग साइट हुई सिर्फ एक, लेकिन जो इनकमिंग लिंक्स हैं वो तीन हो जाएंगी। अगर हम इनमें से किसी और URL पर फिर से क्लिक करें तो हमें अगेन एक और पेज मिलेगा जिसमें डिटेल दी होगी कि कौन कौन सी साइट्स या डोमेन से लिंक मिल रही है और कितनी लिंक्स मिल रही हैं इन डोमेन से। अगर आप इनमें से किसी डोमेन पर क्लिक करेंगे तो आपको उन पेजेस की लिस्ट मिलेगी जिससे टारगेट पेज को लिंक किया जा रहा है। इंटरनल लिंक सेक्शन में ऐसी लिंक्स होती हैं जो आपकी ही प्रॉपर्टी के पेजेस के बीच में होती हैं। आपकी प्रॉपर्टी के किसी एक पेज से आपकी इसी प्रॉपर्टी के किसी और पेज को मिली हुई लिंक्स इंटरनल लिंक सेक्शन में आएंगी। इस सेक्शन में भी हम मोर पर क्लिक करेंगे एक्सटर्नल लिंक्स की तरह और आपको यहाँ बड़े नंबर में टोटल इंटरनल लिंक्स का नंबर मिलेगा, फिर एक डिटेल्ड लिस्ट मिलेगी कि किस टारगेट पेज को कितनी इंटरनल लिंक्स मिली हुई हैं और इनमें किसी भी URL को क्लिक करने पर आपको उस लिंक को किन किन पेजेस के साथ लिंक मिल रहा है ये डिटेल मिल जाए। वापस लिंक सेक्शन में आते हैं, इनके नीचे है टॉप लिंकिंग साइट सेक्शन, आपको उन डोमेन्स की लिस्ट देता है जिससे आपकी वेबसाइट को सबसे ज्यादा लिंक्स मिल रही हैं। इस रिपोर्ट को देखने के लिए भी हम क्लिक करेंगे मोर बटन पर और फिर टॉप लिंकिंग साइट्स की डिटेल लिस्ट हमें मिलेगी जिसमें आपको सारी एक्सटर्नल लिंक का नंबर मिल जाएगा। और फिर इस टेबल में डोमेन्स की लिस्ट है, इन डोमेन्स के कितने पेजेस से बैकलिंक मिल रही हैं वो लिंकिंग पेजेस से पता चलता है और आपकी प्रॉपर्टी के कितने पेजेस को ये लिंक मिल रही हैं वो टारगेट पेजेस कॉलम से पता चल जाता है। लिंकिंग साइट्स के नीचे सेक्शन है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट उर्फ
एंकर टेक्स्ट सेक्शन। ये सेक्शन आपको बताता है कि आपकी बैकलिंक्स के साथ कौन कौन से टेक्स्ट यूज किए जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट भी डिटेल में देखने के लिए आपको मोर बटन पर क्लिक करना चाहिए। यहां आपको सारे एंकर टेक्स्ट की लिस्ट मिल जाएगी। सो ये था गूगल सर्च कंसोल का लिंक सेक्शन। आपको अपनी बैकलिंक्स को देखने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से सिर्फ गूगल सर्च कंसोल को यूज करके अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज का नवा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, यूजर को ऐड करने, रिमूव करने, उन्हें मैनेज करने के बारे में, गूगल सर्च कंसोल के मैसेजेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। जब आप टूल को एक स्टूडेंट की तरह सीखते हैं तो सेटिंग्स वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के तौर पर से यूज करना चाहते हैं तब ये सेक्शन काफी यूजफुल होता है। तो मिलते हैं कल इस सीरीज के लास्ट पार्ट में सेटिंग्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम mittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।